कितनी बार आप कॉमन सिविल कोड के लिए सड़क पे उतरे? चलो मैं एक डेट देने वाला हूं, 8 कॉमन सिविल कोड लाने के पहले करीब 10 कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और उन्हें अंग्रेजों ने बनाया था। 1837 का शरीयत एक्ट बदलना पड़ेगा, इंडियन पारसी एक्ट खत्म करना पड़ेगा, इंडियन क्रिश्चियन एक्ट खत्म करना पड़ेगा, शरीयत एक्ट, कैसे 10 कानून है। इस बार 8 अगस्त को हम लोग अंग्रेजी कानून जलाएंगे पूरे देश भर में। तैयार हैं आप लोग? 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। आप कह रहे थे कुछ होमवर्क, तो राजकोट के लिए यही टास्क है। आप सब लोग हमारे फेसबुक से जुड़े रहिएगा, बाकी इस टीम से भी आपको सूचना मिलती रहेगी। डेनिस जी ने कहा है हमारा नाम मत लीजिए, राष्ट्रीय एकता मंच कहिए, इसलिए मैं राष्ट्रीय एकता मंच कह रहा हूँ। नमस्कार सर। 8 अगस्त को आप सब लोग छोटे छोटे टुकड़े में इकट्ठे होइए, 10-10, 20-20 अपने अपनी, उसमें कोई एक अंग्रेजी कानून की प्रिंटआउट निकालिए, उस दिन पूरे देश में अंग्रेजी कानूनों को हम जलाएंगे। 8 अगस्त को इसलिए जलाएंगे, 8 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है 8 अगस्त को। अंग्रेज तो भारत छोड़ गए लेकिन अपना कानून यहीं छोड़ गए, तो वो जो कानून छोड़ के गए हैं करीब 250 कानून है, उन कानूनों को हम जलाएंगे। हम दिल्ली में जलाएंगे, आप लोग अब यहां राजकोट में जलाना। और भगवान ने चाहा तो इसी वर्ष, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है, कोई मुझे जानकारी नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि कॉमन सिविल कोड पॉपुलेशन कंट्रोल ला इसी साल बनेगा। आज ये मेरा 65वां कार्यक्रम है इस साल का। जनवरी में मैंने एक भी छुट्टी अपने घर में नहीं बिताई है, एक भी छुट्टी। अब तक मैं 65 जिलों में, आज ये राजकोट मेरा 65वां दिन है। मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट रहता हूँ, सैटरडे संडे आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आज यहाँ हूँ, कल सोमनाथ। कोशिश यही है कि जब तक मैं, मेरा 100 का आंकड़ा पूरा हो तब तक कॉमन सिविल कोड आ जाए। वंदे मातरम सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो एजुकेशन की रिफॉर्म्स की बात करी आपने, तो उसमें जो रिजर्वेशन है, मतलब कि रिजर्वेशन के खिलाफ किसी ने पीआईएल एंटर किए सर? देखिए सवाल यह है कि रिजर्वेशन का उद्देश्य क्या था। रिजर्वेशन का उद्देश्य था कि भेदभाव खत्म हो। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है रिजर्वेशन से भेदभाव खत्म नहीं होगा, भेदभाव खत्म होगा समान शिक्षा लागू करने से। जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी, जब गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ एक स्कूल में बैठ के पढ़ेगा, तब वो भेदभाव खत्म होगा। तो मुझे ऐसे लगता है रिजर्वेशन का विरोध करने की बजाय यूनिफॉर्म एजुकेशन की मांग करिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन वाले अपने आप खुद कहेंगे ऐसा रिजर्वेशन से ज़्यादा अच्छा ये यूनिफॉर्म एजुकेशन। नमस्कार सर, मेरा नाम नीलेश गोयल है। आपने अभी बताया जो अंग्रेजों ने ये इंडियन पिनल कोड और सभी लॉ बनाए हैं, तो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस फोर्स का भी मेरे साथ मानना है, जो पुलिस मैन्यूअल है वो भी अंग्रेजों ने बनाया होगा। तो मेरे मन में एक शंका ये है, मान लीजिए हम सभी लॉ बदल देते हैं, लेकिन जो अंग्रेज पुलिस फोर्स पे जो उसका कंट्रोल था, वही इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, तो ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे न्यायतंत्र। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है सत्ता की गुलाम होती है और सत्ता के इशारे पे काम करती है, उसका मूल कारण है 1861 का कानून। और जब हम कह रहे हैं कि 8 अगस्त को सारे अंग्रेजी कानून जलाएंगे, तो 1861 वाला अंग्रेजी कानून भी, पुलिस एक्ट भी जलाएंगे, तो आप भी जलाइए।
हिंदी में क्या बोलिए? एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जरा पीछे वाले सुनिए भाई, रुकिए दो मिनट और। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं सोच रहा था, पर्चा मैंने रखा था कि कोई बोलेगा, ऐसे सवाल आया नहीं। अच्छा अच्छा, आप ही का पर्चा है, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसी भ्रांतियां होती, ध्यान से सुनिए। मैं रोज वीडियो देखता हूं, यहां अवैध मजार बन गई है, यहां अवैध दरगाह बन रही है। तो जब हम कहते हैं अवैध मजार बन गई है, तो इसका मतलब हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ वैध मजार भी होती है। अगर हम कह रहे हैं इलीगल यहां पे दरगाह बन गई है, तो इसका मतलब लीगल दरगाह भी कोई होती है। आप जरा समझो, शब्दों का कितना इफेक्ट होता है। हम अगर अनजाने में कह रहे हैं इलीगल मजार है, तो इसका मतलब लीगल मजार भी होती है ना। मैंने बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बात किया, उनसे पूछा कि कुरान में कहीं मजार दरगाह लिखा है क्या? बोला नहीं साहब। हमने कहा हदीस में? बोले नहीं। तो हमने कहा मजार और दरगाह पे अरब में कोई है क्या? बोले नहीं साहब, एक भी नहीं है। तो हमने कहा मजार दरगाह पे जाना इस्लाम में है? बोले नहीं है। तो एकदम अनकुरानिक, अन इस्लामिक है। मजार दरगाह बनाना और मजार दरगाह पे जाना, ये तो इस्लाम में हराम है, ऐसा मुझे उन्होंने बोला। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं कुरान में है, हदीस में है, तो उसको बताना चाहिए कि कहां लिखा है। लेकिन उन्होंने मुझे एक जानकारी दिया कि पूरे पूरे अरब में एक भी मजार नहीं है, पूरे अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और एक बात और बताई कि पूरे अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। बोले तीन चीजें इस्लाम में हराम है। तो जो चीज अरब में हराम है, वो भारत में हलाल कैसे हो गई? जो चीज अरब में इलीगल है, वो भारत में लीगल कैसे हो गई? लेकिन हम लोग कहते नहीं नहीं इलीगल, अरे जो चीज है ही नहीं है, अनकुरानिक, अन इस्लामिक। समाधि स्थल समझते हैं आप? समाधि स्थल, गुरुओं की समाधि स्थल, जो हमारे ऋषि मुनि उनके, तो समाधि स्थल पे हिंदू तो जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदू तो जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम के लिए जाना ही हराम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हम लोग तो खुद ही अजान में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और किसी की भी इबादत, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं है। तो मौलाना साहब ने मुझे बताया कि जब सब, हम तो खुद ही पांच बार चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर के कहते हैं अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो ये भूरे शाह की मजार या मस्तान शाह की मजार या फुल्ले शाह की मजार, ये इबादत के लायक कैसे हो जाएगी? लेकिन पता नहीं हिंदू कहते नहीं नहीं ये वाली अवैध है, इसका मतलब कुछ वैध भी है। और मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि मजार दरगाह पूरी तरीके से अवैध होती है, ये वैध होती नहीं है। तो अगर राजकोट में कहीं बनी हो, तो आप लोग जाके पूछो कि भाई कुरान में हदीस में कहीं इसका वर्णन है क्या? अरब में कोई है क्या? ये डीएम कलेक्टर से पूछो अपने। और जब जो चीज अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इलीगल है, अवैध निर्माण करके बनाया है, तो क्यों रहना चाहिए? VK News, राष्ट्र के नाम।